नागपुर शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। सर्वधर्म समभाव का परिचय देते हुए यह कार्यक्रम किया गया। संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और मानव अधिकार आंदोलन के प्रकांड विधवता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 132वीं जयंती पर मध्य नागपुर ज्योति नगर खदान में नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में बाबा साहेब की तस्वीर पे माल्यार्पण कर मोमबत्ती लगाई व बच्चों और बड़ों में शरबत, फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक्स वितरित किए गए। वसीम खान ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पे प्रकाश डाला और बाबा साहेब को संविधान के पिता महापुरुष कहा और बताया कि उन्होंने अपने जीवन में इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताया और सदैव कमजोर और महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी। इस मौके पर मध्य नागपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल पट्टम, शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजा भाव चिलाटे, अल्पसंख्यक कांग्रेस के विजय साखरे, सफी भाई, जिशान मुजाहिद, सितीज साखरे, मोहित परखाटे, विजय नांदनवरे पांडे, सचिन शेंडे, फिरोज सरफराज व आदि उपस्थित रहे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जयंती के मौके पर खदान ज्योति नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो पे माला अर्पण कर और बच्चों में कुछ शरबत और फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक बांट कर हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती 132वीं जयंती मनाई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि संविधान के पिता है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है।